बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार के बहुमत परीक्षण से पहले आरजेडी ने एक बार फिर खेला होने का दावा कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने आरजेडी के दावे को अफवाह बताते हुए पार्टी के नेताओं को जेल भेजे जाने की मुनादी कर दी है। बिहार से तर यूपी में खेला होने की अटकलें तेज हो गई हैं। एनडीए के घटक दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि जयंत चौधरी जल्द ही एनडीए का हिस्सा बनने वाले हैं। राजभर के इस दावे से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। हालांकि दोनों पार्टियां इसे बीजेपी का फैलाया हुआ अफवाह बता रही हैं। पर्दे में रहने दो, पर्दे न उठाओ, पर्दा उठ जाएगा सब भेद खुल जाएगा। राज को राज रहने दीजिए और 12 तारीख को जो खेला होगा वो आप देखिएगा, आगे क्या क्या होता है आप देखते रहिए। आरजेडी में चिंता कौन है? पिछले एक सप्ताह से आरजेडी की बोली कहाँ निकल रही है? ये सब नंगा नृत्य इन लोगों ने किया है। सबकी फाइल खोलवाया जाए और एक एक जांच कराने का काम किया जाए। 12 तारीख को बिहार में खेला हो या ना हो, लेकिन बीजेपी और आरजेडी के आक्रामक तेवर के बीच नीतीश कुमार की हवा टाइट नजर आ रही है। तेजस्वी यादव को सरकार से बाहर करने के बाद लगातार वो एक ही शपथ ले रहे हैं कि अब वो एनडीए से इधर उधर नहीं जाएंगे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी उन्होंने दिल्ली से पटना तक दो बार ये सफाई दोहरा दी। जानकार कह रहे हैं कि नीतीश को साथ लेने का फैसला चुनाव में बीजेपी के खिलाफ भी जा सकता है, लेकिन बीजेपी की माने तो पार्टी ने नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल करने का फैसला ठोंक बजा कर किया। अरे पहले जहां थे साथ, बीच में दो बार इधर उधर हुए, लेकिन अब फिर से एक बार उधर ही हो गए हैं। अब सब दिन के लिए परमानेंटली उधर ही रहेंगे। बिहार के विकास का तो कर ही न रहे पांच से काम, और तब से लेकर के लगातार काम हो ही रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहां से भागे दौड़े गए हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। डर नहीं रहता तब प्रधानमंत्री से मिलने के लिए जाते, और वहां जाकर कह रहे कि नहीं अब हमको रखिए, हम अब कहीं नहीं जाएंगे। तो यहाँ भी आए थे तो कहे थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन हम बीजेपी में फिर से लौटेंगे नहीं। ये हम लोगों के लिए बहुत चिंता करना पड़ा, बहुत सोचना भी पड़ा, लोगों को जूझना भी पड़ा। सभी लोग की इच्छा थी कि भाजपा का श्रेष्ठ सरकार बने, इसमें कहीं दो मत नहीं, लेकिन मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि आज हम एनडीए में काम कर रहे हैं, ईमानदारी से एनडीए की सरकार चलाएंगे, लेकिन संकल्प हमारा स्पष्ट है, हम एक दिन भाजपा की भी बिहार में सरकार बनाएंगे, इससे कभी पीछे नहीं हटेंगे। बिहार में एनडीए में खेला होगा या नहीं, इसका जवाब 12 फरवरी को ही मिल पाएगा, लेकिन यूपी में इंडिया गठबंधन में खेला हो गया लगता है। हालांकि खुद जयंत चौधरी कई दिनों से चुप्पी साधे बैठे हैं, लेकिन उनके इंडिया छोड़ एनडीए में जाने की अटकलों पर यूपी की राजनीति गर्मा गई। सच्चाई होती है तभी कुछ बात होती है। आरएलडी को इस बात की खबर है कि हम 10-20 सीट ले लेंगे तब भी एक को नहीं जीतेंगे, एनडीए में हमको दुगो भी मिल गई तो भी दोनों जीत जाएंगे। तो कौन हारने के लिए लड़ाई है? लोग जीतने के लिए लड़ेंगे। हर नेता हर दल सत्ता के साथ रहना चाहता है, और सब लोग जान रहे हैं कि 24 में मोदी जी आ रहे हैं। तो जब मोदी जी आ रहे हैं तो फिर विपक्ष में क्या करेंगे, बैठ के खाली चिल्लाएंगे? किसी को अगर झूठ बोलना है तो उसको भाजपा से सीखना चाहिए। भाजपा झूठ बोलने की एक्सपर्ट माहिर है, इस पर पीएचडी की है। कैसे किसी को बदनाम किया जाता है, किसी की छवि गाड़ी जा सकती, और कैसे किसी के चरित्र को संदिग्ध बनाया जाता है, इस तिकड़म में भाजपा बहुत आगे है। तो ये उसी साजिश के तहत भाजपा का एक झूठ और है, जिसके नाते जयंत चौधरी जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की समय समय वार्ता भी होती रहती है, सीट के बंटवारे पर भी बात हुई है। बहुत सारे साथी चाहेंगे कि ऐसा हो जाए, ये होएगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई विवाद नहीं है। विवाद आप देखिएगा तो ग्लास आधा खाली है, मैं देखूं तो ग्लास आधा भरा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कोई विवाद नहीं है, हमारी आपस में अच्छी सौहार्दपूर्ण बात हो रही है। आप फाइनल सीट का प्रारूप देख लीजिएगा।